हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़ बैक्टीरिया एंड आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट एन में मैंशन है बट डिटेल स्टडी नहीं है इसके बारे में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में और साथ ही इस वीडियो में आप ये डिटेल स्टडी करेंगे और इन दोनों के बीच में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये कॉन्सेप्ट भी आप इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे ओके सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड सो हियर स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हम बैक्टीरिया जानते हैं लेकिन बैक्टीरिया में नेम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम ग्राम तो ग्राम का मतलब क्या होता है क्या हम ये ग्राम वो हमारा के वाला है किलोग्राम वाला या मिलीग्राम वाला कौन सा ग्राम है ये तो ये ग्राम वैसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है फिर उसके बाद हमारे माइंड में आता है हम यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बोल रहे हैं मतलब कि क्या पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं बैक्टीरिया मतलब जैसे हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को बोलते हैं आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है आप पॉजिटिव इंसान हो निगेटिव इंसान से दूर रहा करो निगेटिव पर्सनस भी होते हैं ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना तो क्या ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये भी पॉजिटिव निगेटिव होता है तो समझते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं होता बैक्टीरिया के केस में तो होता क्या है बैक्टीरिया के केस में दरअसल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम ठीक है उन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया कुछ स्टेन्स के बेस पर और इस वजह से हम बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम ओके okay. तो ग्राम वर्ड कहाँ से आया क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का नाम था और उन्हीं के नेम पर हमने ये ग्राम नेम दे रखा है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आता है ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है तो इन्होंने जो अपना प्रोसीज़र बताया इन्होंने जो अपना मैथड बताया उस मैथड को जो फॉलो कर रहे थे बैक्टीरिया मतलब अभी हम लोग ये डिटेल्स पढ़ेंगे ठीक है तो उन्हें हमने बोला ग्राम पॉजिटिव और जो नहीं कर रहे थे ठीक है वो थे ग्राम नेगेटिव अब ये प्रोसीजर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वर्क बोला गया था अब हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मीनिंग क्या है ठीक है तो क्रिश्चियन ग्राम जी थे जिन्होंने डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया में यूज़ की थी ठीक है और फिर इन्हीं के नेम पर हम इस कॉन्सेप्ट को ग्राम स्टेन बोलते हैं ठीक है अब समझते हैं कि आखिर इन्होंने अपने प्रोसीजर में किया क्या था तो इन्होंने एक प्रोसेस की जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को लिया और लेने के बाद उसे उन्होंने कुछ सोलूशंस में रखा लाइक क्रिस्टल वॉलेट लिया उसमें रखा आयोडीन सोल्यूशन में प्लेस किया एल्कोहल में प्लेस किया देन सेफ्रीन स्टेनिंग में स्टेन किया और फिर उसके बाद इन्होंने दो ग्रुप्स के बारे में बताया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ग्रुप्स के बारे में ठीक है अब हम लोग इनके इस प्रोसीज़र को समझते हैं और ये जो फ्लो चार्ट है ना इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप लोगों के माइंड में एकदम स्टेबल हो जाएगा कि इन्होंने क्या प्रोसीजर किया था और हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बोल किसे रहे हैं सो so, देखते हैं क्या है प्रोसीजर सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम प्रिपेयर है स्मेयर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड देखिए स्मेयर का मतलब तो होता है धब्बा ठीक है अब यहाँ धब्बा तो नहीं है हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्लाइड है आप सबने स्लाइड देखी होगी और इस स्लाइड में हमने बैक्टीरिया को इस प्रॉपर प्लेस पर एकोमलेट कर रखा है ठीक है एज अ स्मेयर फॉर्म कर रखा है हो गई ये बैक्टीरिया सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं प्लेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल वॉइलेट स्टेन उसके बाद हम क्या करते हैं कुछ ड्रॉप्स क्रिस्टल वॉयलेट के जो कि क्या है एक स्टेन है उसे हमने यहाँ पर स्लाइड पर डाला जहाँ पर बैक्टीरिया थी ठीक है ओके चलिए ये भी कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर क्रिस्टल वॉलेट्स के फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पर रखे तो फिर हमारी जो बैक्टीरिया थी उन्होंने कैसा स्टेन ले लिया इन्होंने ले लिया वॉयलेट स्टेन भाई जो भी स्टेन रहा होगा बैक्टीरिया का अब हमने जब उसके ऊपर क्रिस्टल वॉलेट डाला तो वो वॉलेट स्टेन की हो गई उसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं ऑफ्टर थर्टी सेकेंड रिंस द स्लाइड विद वाटर और उसके बाद थर्टी सेकेंड बाद हमने उस स्लाइड को जो भी था थिंग उसे हमने वाटर से वॉश कर दिया क्लियर फिर उसके बाद हमने क्या किया फोर्थ स्टेप में प्लेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द स्लाइड फिर उसके बाद जहाँ पर हमारी बैक्टीरिया थी उसके ऊपर फिर हमने आयोडीन सॉल्यूशंस की फ्यू ड्रॉप डाली अब क्या हो गया बैक्टीरिया टेक का डी वॉलेट कलर तो फिर जो हमारी बैक्टीरिया थी उसने डीप कलर लिया वॉलेट कलर का देन उसके बाद हमने क्या किया ट्वेंटी सेकेंड बाद हमने फिर से इसे वॉश किया वाटर से और फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया वॉश कर दिया स्लाइड्स को विद नाइन्टी परसेंट एथेनॉल से ठीक है जो कि हमारा एल्कोहल है एथिल अल्कोहल है तो 90 परसेंट एथेनॉल से हमने इसे वॉश किया अब फाइनली हमें क्या मिल रहा है फाइनली हमें रिजल्ट्स क्या मिला सो so, फाइनली हमने ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नेम दिया और ये दो ग्रुप क्या थे बच्चा तो जो बैक्टीरिया हमारी हो जा रही थी डी कलराइज मतलब उनमें कोई कलर नहीं रह रहा था और स्टेनिंग विद सेफ्रिन सेफ्रेनिन से स्टेनिंग के बाद ओके okay. और वो रेड और पिंक स्टेन में हो जा रही थी जब हम उन्हें सेफ्रेनन से कलर कर रहे थे फिर से कॉन्सेप्ट को समझिए ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया थी वो कैसी थी डी कलराइज थी ठीक है उनमें कोई भी कलर नहीं था एथिल अल्कोहल से वॉश करने के बाद और जब हम उन्हें सेफ्रेन से कलर कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने रेड या पिंक स्टेन ले लिया लेकिन जो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थी उनमें क्या था रिटेन वॉलेट कलर वो फिर से रिटेन कर रही थी वॉलेट कलर को तो ऐसा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टल वॉलेट का प्राइमरी कलर था या जो आयोडीन का कलर था वो अगर रह रहा है बैक्टीरिया में अल्कोहल से वॉशिंग के बाद भी वो अपने कलर को रिटेन कर पा रहे हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव हैं और नहीं रिटेन कर पा रहे हैं तो वो ग्राम निगेटिव हैं ये बताएं हमारे क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग के थ्रू तो ये तो पूरी हो गई प्रोसेस अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ग्राम पॉजिटिव किसे बोल रहे हैं और ग्राम निगेटिव किसे बोल रहे हैं नेक्स्ट उसके बाद अगला हम समझते हैं इनमें डिफरेंसेस को तो क्या थे प्रॉपर डिफरेंसेस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में तो कुछ यहाँ पर मैंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का तो पहला पॉइंट यहाँ पर है सेल वॉल स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी सेल वॉल फॉर्म होती है थिक होती है ठीक है और सिंगल लेयर होती है मोनो लेयर होती है लेकिन अगर हम बात करें ग्राम निगेटिव की तो ये थिन होती है और ये ट्रिपल लेयर होती है मल्टी होती है ये सब एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है देन उसके बाद देखते हैं अगला कैरेक्टर सो so, नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पर सेल वॉल कंपोजिशन का तो ये देखें तो इनमें लिपिड का अमाउंट्स लो होता है और ग्राम निगेटिव में लिपिड्स का अमाउंट हाई होता है देन उसके बाद इनमें पैप्टाइडोग्लाइकुन जो कंटेंट है वो प्रेजेंट होता है और साथ में इन मोनोलेयर्स मेजर कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ वेट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एक तरीके से कह सकते हैं और अगर हम यहाँ बात करें ग्राम नेगेटिव में सो पेप्टाइडोग्लाइकोन प्रेजेंट इन इनर रिज्स लेयर माइनर कंपोनेंट अकाउंट्स फॉर अबाउट टेन परसेंट ऑफ वेट तो यहाँ पर फिफ्टी परसेंट था और यहाँ प्रेजेंट है लेकिन टोटल ड्राई वेट का कितना है सिर्फ और सिर्फ दस प्रतिशत ही है देन उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर और वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में कि कोई एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में और ये ग्राम निगेटिव में ये एसिड नहीं प्रेजेंट होता एबसेंट होता है नेक्स्ट ये हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं ट्राइफेनिल मीथेन में और ये लिटिल रिस्पॉन्स शो करते हैं ट्राइफेनिल मीथेन में देन उसके बाद अगला करेक्टर है यहाँ पर रेजिस्टेंस टू एल्के्कलाइन एंड इनशोलबुनिल वन परसेंट केल्यूशन रजिस्टेंस शो करते हैं ये और ये शो करते हैं सेंसिटिविटी टू एल्केलाइन एंड शोलबुल वन परसेंट के ओ एच ओके नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कि अगला है और वो है रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल तो यहाँ पर हमने बोला कि पैप्टाइडोग्लाइकॉन्स का हाई परसेंटेज प्रेजेंट था पहले ये पॉइंट समझो और ये इलास्टिक होते हैं ड्यू टू प्लास्टिक नेचर ऑफ द लेपोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स तो ये हैं रिजिड और ये कैसे हैं इलास्टिक है नेक्स्ट पॉइंट है. देखते हैं अगला पॉइंट है यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिन तो ये होते हैं हाई ससेप्टेबल और ये होते हैं लो ससेप्टेबल नेक्स्ट पॉइंट है फाइव पॉइंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इनकी होती है कॉम्प्लेक्स और इनकी होती है सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और यहाँ पर सिक्स एंड लास्ट पॉइंट है रजिस्टेंस टू फिजिकल सरपन और वो है मोर रेजिस्टेंस और यहाँ पर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेस रेजिस्टेंस तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स के बेस पर ये अंडरस्टैंड किया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते क्या हैं और साथ में इनमें डिफरेंसेस क्या है होपफुली आपके माइंड में भी ये चीज़ें स्टेबल हो गई होंगी कि हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं रीजन क्या है उसके पीछे और हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं और एक बात इम्पॉर्टेंट ये कि इनके टू पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो है सेल वॉल स्ट्रक्चर का और सेल वॉल कंपोजिशन का जो एम सी क्यू आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं पॉइंट से आते हैं ठीक है थीके? तो इन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है हो फुली यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट थैंक यू